प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि रेस्पिरेशन हो रहा है तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, और ऑक्सीजन यदि एब्सेंस कर दी जाए तो ज्यादा एनर्जी कहाँ बनेगी, और एनारोबिक में क्यों भाई साहब? एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा क्यों बनती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसलिए। मतलब कुछ भी बोल दो है कि नहीं? हाँ भाई साहब, ज्यादा एनर्जी क्यों बनती है? क्योंकि फूड का वहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर विल बी इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विल ऑकर्स। सही है कि नहीं? Yes, तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो एनर्जी बनेगी, और यदि इनकम्प्लीट हुआ है तो हम देखने वाले हैं ह्यूमन में रेस्पिरेशन, है ना, या फिर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। हमने नहीं देखा अभी, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट देख लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, सही है? अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, उसकी प्रॉब्लम आना बोल। यस सर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो प्लांट में थ्री स्ट्रक्चर्स हैं मेन, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? रूट, कौन कौन सी है? दूसरा स्टेम, और तीसरा लीफ। सही है कि नहीं? yes, इनके बारे में हम जानते हैं no, yes, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। स्टेम क्या होता है, रूट क्या होता है, लीफ क्या होता है, जानते हैं कि नहीं? yes, तो सबसे पहले हमें देखना है रूट रेस्पिरेशन में किस तरह से मदद करती है। एक्चुअली हमें जो करवाना है ना, देट इज गैसेस एक्सचेंज। हमें अभी क्या करवाना है, गैस का एक्सचेंज। रेस्पिरेशन मैकेनिज्म तो सेम है, चाहे ह्यूमन है या एनिमल है या फिर प्लांट है, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म तो सब में सेम है। कौन सा? हमने बताया था एक सेल, याद करिए, इस सेल के अंदर ये टिश्यू सा न्यूक्लियस बना दूं, हाँ ना बोल। लेकिन ये बड़ा सा क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन के अंदर मेनली जो रोल प्ले कर रहा है वो ऑर्गेनेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है? यस सर। आपने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था, पावर ऑफ सेल बोला था क्या? यस सर। अरे हाँ ना बोल। यस सर। अब पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला था? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती होगी। ये एनर्जी जनरेट का जो प्रोसेस है वो चलता किस तरह से, इस बात को मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। जैसे याद करें, सबसे पहले तुम्हारे पास था ग्लूकोज, क्या था? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को तुमने कन्वर्ट कर दिया था किसमें? पाइरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करा था? पाइरुविक एसिड में। क्या पाइरुविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 3 थे? ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन 6 थे? हाँ ना बोल। ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम, कोएंजाइम ए में। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2। कितने? इसका मतलब यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया होगा। yes, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बच गए होंगे? हाँ ना बोल। yes, अब ये जो पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम जो ए बना है वो कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जा रहा है? और वहां पर चलता है क्रैब्स साइकिल। क्या चलता है? yes, क्या आपने क्रैब्स साइकिल के बारे में सुना है? no, sir. अरे झूठ ना बोल। क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल बताया था यार, अभी अभी बताया है, नहीं सुना? इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, क्रैब साइकिल नहीं सुना? देख ले उसने सुना है। येलो येलो है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है ये? तो हमारे पास यहां तक हमने फूड पहुंचा दिया था, याद करें। अरे फूड कहां तक पहुंचा दिया था? साइटोप्लाज्म में। कहां पर? ये कोई सेल है क्या? Yes, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है क्या? yes, ये सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? yes, ऐसे और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? yes, हो सकते हैं, लेकिन उनका काम अभी नहीं है। क्या यहाँ पर ये रिमेनिंग पार्ट जो है उसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं? yes, एक साइटोप्लाज्म के अंदर कॉमन प्रोसेस कौन सा चल रहा था? ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा चल रहा था? तो ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में कन्वर्जन क्या प्रोसेस कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म। क्या तुम्हें याद है? यस सर। आना बोल। हाँ सर। अच्छा,
अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो फूड है वो सपोज कि ग्लूकोज की फॉर्म में था, किस फॉर्म में था? ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा? पाइरुविक एसिड में. किस में कन्वर्ट हुआ होगा? ये पाइरुविक एसिड एंटर करता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. कहाँ एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया का ये पाला पोर्शन क्या कहलाता है? मैट्रिक्स. क्या कहलाता है? जिस तरह से सेल का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं ना साइटोप्लाज्म. क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. बिल्कुल वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. क्या कहते हैं? नाइन्थ क्लास में पढ़ा है स्ट्रोमा. हाँ लेकिन हम तो नाइन्थ फेल है ना. हम क्यों भूल जाते हैं कि हम नाइन्थ फेल हैं? हाँ ना बोल. सही है. ओके तो ये जो पाइरुविक एसिड गया इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? थ्री कार्बन थे. अब फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन यूज होगा. मैंने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में चलता है. याद है क्या? That is a common process which will occurs in both aerobic and anaerobic respiration. सही है क्या? ये बात हमने बोली है कि नहीं? और glycolysis में energy बनती है कम. क्यों? क्योंकि यहाँ पर glucose का complete oxidation हुआ नहीं. Glucose अभी अभी किस में convert हुआ है? Pyruvic acid में. 6 carbon का कोई compound था जो 3 carbon के compound में convert हो गया. और 3 carbon के compound में convert ही हुआ है. अभी भी हमारे पास 6 carbon का हिसाब तो पड़ा है. आना बोल. यस सर. ओके तो ये पाइरुविक एसिड एंटर कहाँ हो गया? हाँ तो 3 कार्बन तो अभी पड़े हैं ना. उसमें से तो एनर्जी निकलनी बाकी है ना. इसका मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ नहीं. दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. और ऑक्सीडेशन क्यों कहेंगे? अभी ऑक्सीडेशन तो हुआ ही नहीं है. ऑक्सीडेशन तो कब होता है? जब ऑक्सीजन जुड़ता और CO2 रिलीज हो रहा होता है ना. तब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ गया है देन प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन. अभी तक तो हमने ऑक्सीजन जोड़ा नहीं. यूं समझ लीजिए कार ग्लूकोज का जो फॉर्मूला था वो क्या था? C6H12O6 यही था क्या? तो पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3. क्या है? C3H6O3. इसका मतलब ऐसे दो कंपाउंड बन चुके होंगे कि नहीं? तो कार्बन का हिसाब तो अभी पूरा ही है, ऑक्सीजन का हिसाब भी पूरा है, हाइड्रोजन का हिसाब भी पूरा है. अभी तक तो इसमें से कुछ भी रिमूव हुआ नहीं. बस ये टूटा है. ग्लूकोज दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया. एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल नहीं कंपाउंड कहेंगे. दीज कंपाउंड्स आर पाइरुविक एसिड. 2 मोल ऑफ पाइरुविक एसिड विल फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सही है क्या? अब ये जो पाइरुविक एसिड होगा एंटर हो गया. अब मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन. क्या देना पड़ेगा? इसका मतलब ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में. कहाँ चलेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में. पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा नहीं. इसका मतलब वहां पर ब्रेकडाउन जो होगा वो कहाँ हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में. और हो सकता है वो इथेनॉल बन जाए, हो सकता है वो लैक्टिक एसिड बन जाए, लेकिन एनर्जी बनेगी कम. कितनी बनेगी? कम बनेगी. कितनी बनेगी वो ATP में बता दूंगा बाद में, ठीक है? लेकिन हमने ग्लूकोज को एंटर कहा, पाइरुविक एसिड को एंटर कहां करवा दिया? मैट्रिक्स में. और वहां पर ले जाकर हमने उसे दे दिया है क्या? ऑक्सीजन. क्या इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पाइरुविक एसिड टूटेगा? तो ये टूट कर क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम है. क्या बना रहा है? इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं? 2. इसका मतलब एक कार्बन का लॉस हुआ. वो कार्बन किस फॉर्म में निकला होगा? इन द फॉर्म ऑफ CO2. ये CO2 निकला, इसका मतलब इसके साथ ऑक्सीजन भी निकला है ना बोल. yes. ये ऑक्सीजन आया कहां से? अरे हमने तो दिया है, हमने दिया है. बोला ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस हमने करी है ना. एटमॉस्फेयर yes, से हमने ऑक्सीजन दिया है. वो ऑक्सीजन गया है और उसने इसके अंदर जो C3H6O3 था उसमें से एक कार्बन रिलीज कर दिया और 2 कार्बन का कोई कंपाउंड बना दिया. सही है क्या? Yes, इस 2 कार्बन कंटेन कंपाउंड का नाम क्या है? क्या नाम है? बोलो. एसिटाइल कोएंजाइम ए. वापस बोलो. एसिटाइल कोएंजाइम ए. वापस बोलो. एसिटाइल कोएंजाइम ए. बॉयज आर गुड. नहीं सही बोला इन्होंने.
एसिटाइल को एंजाइम है, गर्ल्स को आता नहीं? गर्ल्स को आता है क्या? बोलो, भैंस की टांग, सही है वे? ओके, अब हम लगातार ऑक्सीजन देते जा रहे हैं, हमारे पास अभी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसमें दो कार्बन है ये भी इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज होते रहेंगे और उनसे एनर्जी बनती रहेगी, सही है क्या? दैट मींस देयर विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विल ऑकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ना बोल? ये जो प्रोसेस है एसिटाइल कोएंजाइम ए से एनर्जी बनना, एनर्जी बनने का ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? क्रैब्स साइकिल, क्या कहलाता है? और क्रैब्स साइकिल कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। जबकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। अब हमें एक बात नजर आ रही है, वो क्या है? दैट ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल दोनों के बीच में बना है एसिटाइल कोएंजाइम है, सही है क्या? ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ, क्या बना था? पाइरुविक एसिड, सही है क्या? ग्लाइकोलाइसिस खत्म हुआ, क्या बना? पाइरुविक एसिड। लेकिन क्रैब साइकिल पाइरुविक एसिड से शुरू नहीं हुआ, किससे शुरू हुआ है? एसिटाइल कोएंजाइम। इसका मतलब, इसके मतलब ग्लाइकोलाइसिस के और क्रैब साइकिल के बीच में कोई खड़ा है, वो कौन है? ये दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है क्या? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है क्या? और दो को जोड़ने वाले को हम कहते हैं क्या? लिंक, क्या कहते हैं? और ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो दो प्रोसेस को, दो इवेंट्स को आपस में जोड़ती है, इसलिए इसको हम कह देते हैं लिंक रिएक्शन। क्या कह देंगे? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ लिंक रिएक्शन? एसिटाइल कोएंजाइम ए, सही है क्या? समझ में आया तेरे को? अरे समझ में आया तेरे को? Yes, sir. मतलब कम समझ में आया नहीं? एक ब्रिज जो दो किनारों को आपस में जोड़ता है उसे हम लिंकिंग ब्रिज कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ये एक ऐसी रिएक्शन है जो दो इवेंट्स को, दो इवेंट कौन से? ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल को लिंक करने वाली कोई रिएक्शन क्या कहलाएगी? और ये लिंक रिएक्शन कहलाएगी? लिंक रिएक्शन कहलाएगी वे? बोला एसिटाइल कोएंजाइम ए कहलाएगी। एसिटाइल कोएंजाइम ए तो रिजल्ट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन ही क्या है? लिंक रिएक्शन। समझ में आया क्या? यस सर। अरे बोलो ना। यस सर। अच्छा, लिंक रिएक्शन होती कहाँ है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में दो इवेंट्स हुए, कौन कौन से? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से दो इवेंट्स हुए? बोर्ड पे देखो ना, लिंक रिएक्शन दे रखी है क्या? क्रैब साइकिल दिया हुआ है क्या? अरे बोर्ड पे होमवर्क लिखा हुआ है ना, बोर्ड से कॉपी तो करना है, यहाँ से कॉपी करके तो बताना था, है ना बोल? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से दो इवेंट्स होते हैं? और क्रैब साइकिल कहाँ होता है? लिंक रिएक्शन कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, सही है क्या? ओके, अच्छा, जो क्रैब साइकिल होता है उसके रिजल्ट क्या बने? क्रैब साइकिल का रिजल्ट आता है, एक तो बनता है NADH2 और बनते हैं FADH2 और बनता है ZTP लिख देता हूँ, ITP लिख देता हूँ, तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ZTP फिर मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, 10th के लेवल पे इतना नहीं है। हम 11th क्लास में, रेस्पिरेशन एक पूरा चैप्टर है, 14 चैप्टर बायोलॉजी में, उसमें ग्लाइकोलाइसिस एक इवेंट जो हमने यहाँ पर खाली लिखा है ना, खाली ग्लाइकोलाइसिस, वहाँ पर ये पूरा एक प्रोसेस दे रखा है जिसमें 10 स्टेप्स हैं, उसको पढ़ने में हमें एक लेक्चर लगता है, मतलब 1 आवर जैसा लगेगा, तब जाके हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस तो एक इवेंट ही हुआ, सही है कि नहीं? वैसे ही लिंक रिएक्शन भी एक इवेंट है, क्रैब साइकिल भी एक इवेंट है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी NADH2 बनते हैं, लिंक रिएक्शन में भी NADH2 बनते हैं और क्रैब साइकिल में भी NADH2
FADH2 और ATP बनता है, सही है क्या? इनका टोटल हिसाब यदि हम बताएंगे तो हम बाद में 11th क्लास में बातें करेंगे इसके बारे में, ज़्यादा डिस्कशन समय करना नहीं है, लेकिन ध्यान रहे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन एंड क्रैब्स साइकिल। मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या प्रोसेस देखा, ग्लाइकोलाइसिस, हाँ ना बोल, yes, उसके बाद लिंक रिएक्शन, हाँ ना बोल, yes, उसके बाद क्रैब्स साइकिल, सही है क्या? Yes. ये तीन इवेंट्स हमने पढ़े हैं रेस्पिरेशन में। अरे क्या कर रही, नीचे क्या देख रही? सबसे पहला प्रोसेस क्या, ग्लाइकोलाइसिस, सही है क्या? ओके, इनसे भी बनते हैं NADH2, क्या बनते हैं? इनसे बनते हैं NADH2, क्या बनते हैं? NADH2, इनसे बनते हैं क्या क्या? NADH2, FADH2 एंड ATP। हालांकि यहाँ GTP बनता है लेकिन हम बात ATP की कर, हमारे पास जो एनर्जी की करेंसी है ना वो है ATP, क्या है? अच्छा ATP होता क्या है? एडिनोसिन, बोलो, ट्राइफॉस्फेट, सही है क्या? दैट इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, क्या होती है ये? एनर्जी की करेंसी, जिस तरह से तुम नुक्कड़ पे आज जाओगे तो बाहर नुक्कड़ पे एक वो पानी पूरी वाला ठेला लगा हुआ है, अभी आज ही लगाया वो, है कि नहीं? दो दिन पहले तो आया था क्या? हम आज आए तो आज ही लगा, सही है कि नहीं? ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या भैया पानी पूरी देना, ऐसे ही बोलेंगे? अच्छा वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा क्या, काउंटर क्वेश्चन आएगा क्या वहां से? एग्जैक्टली, तब रिप्लाई होगा हमारा कुछ, है ना? वो पूछेगा कितने की, हम कहेंगे क्या? 10 पैसे की, पैसे नहीं, 10 डॉलर की, 10 रुपए की, सही है कि नहीं? देन रुपए क्या है? करेंसी। वैसे ही ATP क्या है? किसकी? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट ATP इज द फुल फॉर्म ऑफ करेंसी ऑफ किस की, समझ में आया क्या? कई लोगों के पास बहुत दिमाग है भाई, है ना, फटाक समझ आते हैं। ठीक है, एक NADH2, एक NADH2 तीन ATP के बराबर एनर्जी देता है, कितनी? एक FADH2 दो ATP के बराबर एनर्जी देता है, कितनी? सही है क्या? ATP तो ATP है ना, ऐसे बोलते हैं ना एक डॉलर में इतने रुपए, वैसे ही सपोज ये डॉलर है, क्या है? तो एक डॉलर में कितने रुपए? अरे 68 रुपीज है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही एक NADH2 में कितनी एनर्जी है, सही है क्या? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 NADH2 बनते हैं, कितने? यहां से कितनी एनर्जी बन जाएगी? 6 ATP के बराबर, हाँ ना बोलो, yes, sir. इसके अलावा यहां पर 2 डायरेक्ट ATP बनते हैं, 2 ATP भी बनते हैं, कितने हो गए? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की टोटल एनर्जी कितनी आई, सही है क्या? Yes, sir. 8 ATP के बराबर एनर्जी आ गई, सही है क्या? ऐसे ही लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH2 बनते हैं, कितने? दो। लेकिन लिंक रिएक्शन चलेगी कितनी बार? एक बार, दो बार, एक बार चलेगी, दो बार चलेगी, बाटा चलेगी एक बार, बार। अरे पायरुविक एसिड कितने हैं? दो। तो लिंक रिएक्शन कितनी बार चलेगी? दो बार। तो टोटल NADH2 कितने बनेंगे? अरे एक बार में बने टू लिंक रिएक्शन में 4 NADH2 कितने? 12 ATP की इक्वलेंट एनर्जी बन गई, yes, सही है क्या? Yes, sir.
क्यों टेम हो गया क्या? मतलब मिठाई आने वाली है? हाँ नहीं, होने वाला है। समझा नहीं यार। ये दो ही बनते हैं, एक बार में एक तो दो बार में दो, छह डिब्बे। ओके, क्रैब साइकिल में एक बार जब क्रैब साइकिल चलता है ना तो तीन NADH2 बनते हैं। कितने? तीन। क्रैब साइकिल कितनी बार चलेगा? तीन बार। दो बार चलेगा ना? यस सर। एसिटाइल कोएंजाइम कितने हैं हमारे पास? 6 NADH2। कितने एनर्जी बनेगी? 18। एक बार में एक FADH2 बनता है, दो बार में कितने FADH2? 2 FADH2। कितनी एनर्जी बन जाएगी? अरे 4 है, एक से दो बनती है ना। इधर 2 ATP भी बनते हैं। टोटल काउंट करना एक बार, टोटल ATP काउंट करना। अरे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर कितने हुए? 38। हाँ 38। कितने हुए? 38। आपकी बुक में इक्वेशंस जो लिखी हुई है ना, ग्लाइकोलाइसिस और रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है? C6H12O6 इट गिव्स पाइरुविक एसिड, देन आफ्टर it becomes 6CO2 plus 12H2O plus 38 ATP। क्या लिखा उसमें? 38 ATP। तो ये 38 ATP आए किस तरह से, उसका हिसाब यदि आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं सही है क्या? समझ में नहीं आया? वापस देखो, देखें, देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में कितने NADH2 बने? 1 NADH2 से कितने ATP? तो 2 NADH2 से कितने ATP? सही है क्या? डायरेक्ट ATP कितने बने? 6N2 कितने हुए? बराबर। लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 बनते? एक बार लिंक रिएक्शन चली तो एक, तो दो बार चल गई तो 2 NADH2 कितने एनर्जी? 6 ATP के बराबर, सही है। क्रैब साइकिल में एक बार जब क्रैब साइकिल चलता है तो 3 NADH2 बनते हैं, 2 FADH2 बनते हैं, 1 FADH2 बनता है और 1 ATP बनता है। एक बार जब क्रैब साइकिल चला तब 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP बना। दो बार चले तो 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 ATP बनेंगे, सही है क्या? 1 NADH2 से, 2 FADH2 से, 1 और 2 ATP से, सबको जोड़ दें, 38 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी बनती है फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सही है क्या? समझ में आया तेरे को? समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। ओके, तो लेकिन ये बनते कहाँ है? अभी तक तो बात हमारी क्या हुई थी कि क्रैब साइकिल में क्या बन रहा है? NADH2 बन रहा है, FADH2 बन रहा है, ATP बन रहा है। जो डायरेक्ट ATP बन गया वो तो ठीक है, लेकिन NADH2 और FADH2 से एनर्जी बनाएंगे कैसे? कैसे पता चल गया कि भाई साहब FADH2 से 2 ATP बनेंगे और NADH2 से 3 ATP बनेंगे? तो ये प्रोसेस कहाँ चलता है, इसके आगे का प्रोसेस कहाँ चलता है? ETS, इसे क्या कहते हैं हम? ETS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर